हिंदी चैनल है, बड़ा त्यौहार बकरा ईद माना जाता है, और ये जो बकरा ईद की तैयारी है आपके अंतर्गत में आती है, इसकी तैयारी की आपने अभी तक क्या तैयारी की है, और लोगों को किसी समुदाय को ये त्यौहार से फेस ना पड़ने के लिए आपने अभी तक क्या तैयारी? बकरीद की तैयारी हमारी पूरी हो चुकी है। आज हमने इधर इलाके के पूरी शांतता कमेटी मीटिंग जो होती है वो हमने ली है, मोहल्ला कमेटी और शांतता कमेटी, इसके जितने भी मेंबर्स हैं सबको बुलाया गया है। मदरसा के जितने भी मौलाना हैं, मस्जिद के मौलाना हैं, उनको भी बुलाया है। बकरीद के टाइम क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए हमने उनको कुछ सुझाव दिए हैं, उनकी तरफ से भी कुछ सजेशंस थे, उसके ऊपर हमने पहले से ही अमल करके रखा है। इसलिए आज जितने भी मीटिंग को आए थे सब खुश है। पुलिस ने जो भी इंतज़ाम किए हैं ये 15 दिन के लिए, तो उसके ऊपर पूरी ये इलाके वाले सब खुश है। सर, बकरा ईद के त्यौहार में अक्सर देखा गया व्यापारियों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है, चोरी होते हैं यहाँ पे बकरे, इस विषय पे आपके डिपार्टमेंट ने क्या तैयारी की, मतलब क्या सुझाव? चोरी नहीं होने के लिए हमने QR कोड सिस्टम अभी लास्ट ईयर से चालू की है, ये साल भी रहेगी। प्लस दूसरा एक ऐप है जो BMC ने उन्होंने किया है, उसके तहत कि जो भी आने वाले हैं बकरे लेने के लिए, जो भी व्हीकल्स रहेंगे वो ऐप के थ्रू वो एडवांस बुकिंग कर सकते हैं, वो एक ऐप है। और बकरे चोरी नहीं होने के लिए ये QR कोड की सिस्टम जारी की है। लास्ट ईयर एक भी केस नहीं हुआ बकरा चोरी का, और ये साल भी नहीं रहेगा। सर, पार्किंग को लेकर बड़ी समस्या रहती है जो अंदर कतल खाने में हर साल, तो इस साल कैसे? पार्किंग का मसला निकलने के लिए ये साल 600 टूर्नामेंट्स करके एक जगह है जो कि तकरीबन 25 एकड़ में है, तो उधर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। और आजू बाजू बड़ा कोई भी प्लॉट रहेगा BMC के तहत वो पार्किंग के लिए अलॉट कर सकते हैं, तो पार्किंग की समस्या नहीं रहेगी। जैसे भी कहा जाता है कि कटिंग के लिए जो बीफ कटिंग होता है या बकरे कटिंग होता है, इसके लिए पिछले साल या कुछ सालों में बहुत कम हो रही थी लोगों की, तो इस साल क्या प्रॉब्लम है? ये साल के लिए लास्ट ईयर जो भी लैक्यूनस थे वो हमने ध्यान में रख के GM साहब से मीटिंग करके उनको हमने रिक्वेस्ट दिया था कि एक और जगह बढ़ाएं जो कि लास्ट 3 दिन में लगती है, तो उन्होंने ये साल में 1 एकड़ की एक्स्ट्रा जगह दी है जिधर भी वो कुर्बानी हो सकती है, तो अभी वो कन्फ्यूजन सबके मन में से निकल जाएगा और ज़्यादा भीड़ नहीं रहेगी। और ड्रेनेज की भी एक सिस्टम जो प्रणाली है वो ख़राब रहती है, बारिश का भी मौसम रहता है, जिसकी वजह से शेड न या कम शेड होने की वजह से जो जानवर यहाँ पर लाए जाते हैं उनको फेस पहुँचता है, नुकसान पहुँचता है। ये साल में वैसा कुछ नहीं होगा। जो टेंट लगाते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर है, उनसे हमने खुद मुलाकात करके उनको बोला है कि जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो पानी जो ऊपर से आता है नीचे और जो जमा हो जाता है, वो ना होने के लिए BMC को भी बोला गया है हाइड्रोलिक पाइप्स ज़्यादा लगाएं, तो ये साल उन्होंने 5 या 6 लगाए हैं वो, तो अभी पानी जमा होने का कुछ संभव ही नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम एकदम स्ट्रॉन्ग किया है। सर, हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों तक क्या मैसेज पहुँचना चाहेंगे बकरा ईद के त्यौहार के मौके पर? बकरीद त्यौहार के मौके पे सबको हम बताना चाहते हैं कि बकरी ईद के टाइम जितना भी एरिया है एबेटोर का, मतलब ये कत्तल खाने के आजू बाजू में पूरा नो पार्किंग जोन रहेगा, वो टाइम पे किसी ने पार्किंग करनी नहीं है, अगर करते हैं तो उनके ऊपर चार्ज लगेगा। दूसरा जो हमारी तरफ से आह्वान है, जो भी मांस लेके जाते हैं वो ढक के लेके जाएं, अपने बॉडी के ऊपर मत लेके जाइए। तीसरा है नमाज के टाइम ज़्यादा क्राउड मत करो, और उधर पार्किंग के लिए व्यवस्था नहीं रहती है इसलिए पार्किंग बराबर करो, नहीं तो उनके लिए उनके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। ये पुलिस की तरफ से 3 मुद्दे हैं जो ध्यान में रखने चाहिए पब्लिक ने। जैसे कोई भी त्यौहार आता है तो रूमर्स या अफवाहें ज़्यादा फैलती है, तो इस दौरान आप कैसे उसका इंतज़ाम करेंगे या मैसेज कैसे देना चाहेंगे पब्लिक? अफवाहें नहीं ज़्यादा इधर उधर हो जाए, इसके लिए हमने उसके इंतज़ाम किए, सबको ऐलान भी किया है कि अफवाह के ऊपर आप भरोसा मत करो, लेकिन अफवाह कुछ सच में भी हो जाती है उसके लिए हम लीगल एक्शन ले लेंगे।